ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज किस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की दिवाली फोटो एडिटिंग। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता यार हमारी दिवाली जो है यार अभी कुछ दिनों में आने वाली है। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए कुछ कॉन्सर्ट बना दिए जाए इसके लिए। तो गाइस जैसा कि मैंने आप सभी के लिए अभी जो लास्ट वीडियो डाली थी मैंने दिवाली की, उसमें गाइस आप सभी का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए एक वीडियो और बना दी जाए। एंड गाइस अगर आपके लिए आपका रिस्पॉन्स अगर इस वीडियो पे भी अच्छा है तो गाइस आपके लिए मैं एक और दिवाली का ट्यूटोरियल लेकर आऊंगा। तो गाइस आप लोग बस वीडियो का लाइक करना और थोड़ा सा शेयर कर देना, क्योंकि यार आप सभी को पता होगा यार मेरे को वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, बट यार आप सभी को शेयर करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो आप लोग एक बार शेयर कर देना, बाकी यार तुम्हारा भाई संभाल लेगा, ठीक है? तो बस आप लोग शेयर कर देना, अच्छा रिस्पॉन्स देना वीडियो में। बाकी गाइस अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलिए गाइस आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड का डाउनलोड कर लेना। आप सभी के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर गाइस आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ से ले लेना अपने मॉडल को, ठीक है? यानी गाइस मॉडल को लेने के बाद आप सभी को अभी यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने गाइस, ठीक है? जो क्या चेंजेस करना है वो मैं आप सभी को अभी बता दूंगा। तो गाइस पहले तो आप सभी को अपना मॉडल जो है ना गाइस कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे जो है सिलेंडर लगा रखे मैंने पीछे, आपको गाइस सिंपली इसके ऊपर आपको अपने मॉडल को बैठा देना है। देन गाइस उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को गाइस मॉडल को जैसे बैठा दोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको लेना पहले स्मोक का पीएनजी, ठीक है? ये स्मोक का पीएनजी ले लेना है। एंड इस पीएनजी को लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसका ब्लाइंडिंग मोड स्क्रीन करना है, ठीक है? स्मोक को एंड उसके बाद आपको उसको नीचे स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ ले जाना है, ठीक है? इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको उसको ले जाना ऊपर की तरफ, ठीक है? इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आप सभी को गाइस इसका थोड़ा सा मतलब कि यहाँ से इसे मूव डाउन करना है पहले, ठीक है? मॉडल के नीचे एंड मॉडल को सिलेक्ट करना है। इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को क्या करना है, हार्डनेस ओपेसिटी पे कम करना है, साइज को बढ़ा देना है एंड जो आपका पैर है ना गाइस इसको थोड़ा सा इरेज करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मॉडल है ना एकदम परफेक्ट तरीके से स्मोक के नीचे दिखेगा, ठीक है? तो अभी इतना कर देना है एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को अभी यहाँ पे डन नहीं करना है, ठीक है? तो अभी क्या करना है आप सभी को, अभी गाइस यहाँ पे आप सभी को जाना है ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको लेना ब्लैक कलर का पीएनजी, ठीक है? तो इसको लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को पीएनजी लेने के बाद आपको सिंपली इसको फुल स्क्रीन करना है, ठीक है? एंड फुल स्क्रीन करने के बाद आपको जाना है रिजल्ट रूम में, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का जो साइज आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। एंड गाइस यहाँ पे जो आप सभी को सिलेंडर के नीचे की तरफ आपको ऐसे शेडो बनानी है, ठीक है? तो गाइस ऐसे शेडो बनाने का मतलब क्या है गाइस कि ऐसे ही लगेगा कि आपका जो मॉडल है उसका जो शेडो है आपके सिलेंडर के ऊपर पड़ रहा है एंड गाइस एक रियलिस्टिक सा लुक आएगा, ठीक है? तो आपको कुछ इस टाइप से ऐसे शेडो क्रिएट करनी है, लाइन ड्रॉ करना है। एंड गाइस अभी तो आप सभी को ऐसा लग रहा हो कि यार जो लाइन है हमारे सिलेंडर और कपड़े के ऊपर दोनों के ऊपर आ रही है, तो अभी इसको बैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी मैं बता देता हूँ आप सभी को सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारे जो यहाँ पे मॉडल का पैर है जो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दिखाना है, ठीक है? तो यहाँ पे शेडो हम इसको चिचा से पेंट करेंगे। अब गाइस जाएंगे यहाँ से आपको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे मूव डाउन का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली मूव डाउन कर देना एंड ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना, वो बैक हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप सभी को फिर अपने मॉडल को यहाँ पे मतलब कि आपको ना अपने मॉडल की तरफ जाना है, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद गाइस इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी है अपने मॉडल पर, जैसे कि गाइस आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे जो है आपको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है एंड गाइस उसके बाद हाईलाइट में जाकर आपको गाइस हाईलाइट है जो उसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मिलेगा यहाँ पे शेडो, आपको शेडो जो है थोड़ा सा कम करना है यहाँ पे, ठीक है? हल्का सा -8 तक कुछ, ठीक है? इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा गाइस, आपको थोड़ा सा टेम्परेचर जो इसको माइनस की तरफ रखना है अराउंड 10 तक, ठीक है? इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, फिर गाइस यहाँ पे आपको करना है डन, ठीक है? अब इसके बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, अब गाइस इसका आपको मॉडल का अपना डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद गाइस आपको अपना जो मॉडल है इसको लेके जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद आपको यहाँ से ले जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में। कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट में जाना है, इसका अमाउंट 0 कर देना है एंड उसके बाद मर्ज कर देना है, ठीक है? मर्ज कर देने के बाद आपको गाइस यहाँ पे व्हाइट कलर को सिलेक्ट करना है, नेगेटिव वाला ऑप्शन है जो, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है? इतना कर देने के बाद आपको डन कर देना है एंड गाइस उसके बाद आप फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस मॉडल को देखना है कि आपका जो दूसरा मॉडल है उसके ऊपर पूरा एकदम परफेक्ट तरीके से बैठा देना है, इसको मैच करा देना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है इरेजर टूल में, ठीक है? इरेजर टूल में जाना है एंड इरेजर टूल में जाने के बाद इन्वर्ट करना है एंड गाइस यहाँ पे ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद आपको गाइस कुछ हार्डनेस ओपेसिटी जो कम करना है, साइज अपने अकॉर्डिंग रखना है। फिर गाइस आपको यहाँ पे एक रिम लाइट तैयार करनी है कुछ इस टाइप से, ठीक है? फिर इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे एक और डुप्लीकेट करना है आपको अपने इस मॉडल का, ठीक है? तो अभी गाइस हमारे पैर के ऊपर जो ऑप्शन जो मतलब कि एरिया आ रहा है उसको हम पहले इरेज कर लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज करूँगा कुछ इस टाइप से। तो अभी ये हमारा दूसरा वाला जो उसको भी इरेज करना है, तो अभी इसको हम पहले मूव बैक कर लेते हैं, तो इसको मूव बैक कर लेंगे। सो यहाँ से आपको सिंपली मूव बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मूव बैक कर लेना है एंड उसके बाद गाइस आपको वाला ऑप्शन ले लेना है जो आपको ऊपर आ चुका है ये वाला, ठीक है? तो आप इसको क्या करेंगे, अब उसके बाद गाइस यहाँ से हम जाएंगे इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस आप सबको सिंपली यहाँ पे जो इस वाला एरिया इसको भी हम इरेज कर लेंगे, ठीक है? तो अब इतना हो गया, अब गाइस हम वापस से इस वाले ऑप्शन को ले लेंगे यहाँ पे मूव बैक करके एंड इसको ले लेंगे
एंड इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको इतना कर देने के बाद आपको इसका डुप्लीकेट जो किया आपने अभी इसको लेकर जाना इफेक्ट में। अभी ये गाइज व्हाइट कलर का है तो आपको कलराइज में जाके आपको उसको गाइज लेना पिंक कलर, ठीक है, क्योंकि हमारे जो पीछे जितने भी मतलब कि स्काई शॉट वगैरह जो कलर्स हैं आपको वो वाले लेने, ठीक है। तो हम यहाँ पे डन करेंगे एंड पिंक कलर हमें मिल चुका है। अब गाइज इसका हम इरेजर टूल में जाके गाइज पहले तो हम इस पर ब्रश सेलेक्ट करेंगे एंड जो इसका साइज फुल करके हम इसको पहले पूरा पेंट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम पूरा जो है ये वापस ले आए अपने मॉडल को, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको फिर इरेजर टूल में जाके इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश का साइज जो अपना अकॉर्डिंग रखना है आपको, हार्डनेस ओपेसिटी यहाँ पे कम कर देना है एंड फोटो को जूम करके गाइस यहाँ पे आपको फटाफट यहाँ पे पेंट कर लेना जिस जिस एरिया में आपको ये पिंक टोन चाहिए, ठीक है। जैसे गाइस आपको दिख रहा होगा पीछे हमारे इस बैक में जो है पिंक कलर का जो स्काई शॉट फूटा हुआ है, तो हम उसका कलर यहाँ पे डालेंगे। तो उसके बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे यहाँ पे गाइस ओवरले, ठीक है, ओवरले रखेंगे एंड ओवरले रखने के बाद आपसे को फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपसे को इसका एक डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो उसका हम एक डुप्लीकेट करते हैं एंड इसको सेम वैसे ही रख देंगे, ठीक है, सेम चीज़ वैसे ही करेंगे एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आप सभी को ऐसे जाना इरेजर टूल में एंड ब्रश लेना, ब्रश को लेने के बाद आपको सिंपली पूरा पेंट करके वापस ले आना इसको, ठीक है। जैसे कि आप सभी को ऐसा दिख रहा होगा गाइस जैसे कि हमने अभी किया था, सेम इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना, सेम चीज़ वही करना आपको उसके इफेक्ट में ले जाना है। आप जैसे कि साइड में हमारे ऑरेंज कलर है तो अब ऑरेंज कलर का यहाँ पे हम ये बनाएंगे, ठीक है। तो इसको ऑरेंज कलर ढूंढते हैं यहाँ पे, तो ऑरेंज कलर यहीं कहीं मिलेगा, तो ये रहा हमारा ऑरेंज कलर, आप इसको हम डन करते हैं एंड इतना करने के बाद आपको वापस से इरेजर टूल में जाना है, ठीक है। तो इसको हम इरेजर टूल में लेके चलते हैं, इसको इन्वर्ट करते हैं, ब्रश लेते हैं, ब्रश को लेने के बाद आपको फिर करना है साइज इंक्रीज करना है एंड फोटो को जूम करना है, जहाँ जहाँ पे आपको एक कलर चाहिए आपको सिंपली वहाँ वहाँ पे ऐसे पेंट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी थोड़ा पेंट करते हैं एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी रिम लाइट बनकर तैयार है, तो अब क्या करेंगे हम इसको डन कर देंगे एंड इतना कर देने के बाद गाइस अब क्या काम कर रहा था आप सभी का, गाइस आप सभी को जाना है ऐसे दोबारा एड फोटो में एंड गाइस यहाँ से लेना आपको ये लड़ी के पीएनजी, ठीक है, लड़ी है जो हमारे पटाखों की, तो इसको ले लेंगे एंड इसको गाइस कुछ इस टाइप से हम अपने हैंड पे रखेंगे एंड इतना कर देने के बाद इरेजर टूल में जाएंगे वापस, इसकी हार्डनेस को मैं फुल करेंगे, साइज को अपने अकॉर्डिंग रख के एंड इसको हम इरेज करेंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप से जैसे कि गाइस आपको दिख ही रहा होगा, तो इतना इरेज करते हैं हम, तो यहाँ पे परफेक्ट है गाइस, ओके। सो इतना कर दिया हमने, अब क्या करेंगे गाइस हम यहाँ पे अब इसको हम डन करेंगे, सो इतना परफेक्ट है। अभी हम नीचे से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि जो हमारे स्मोक में चले जाए, तो हार्डनेस ओपेसिटी कम करेंगे, नीचे से हम कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज करेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस लग रहा है कि हमारा स्मोक के नीचे अब इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, सिंपली यहाँ पे आपको करना है डन। अब गाइस आपको जाना है ऐसे दोबारा एड फोटो में, दोबारा एड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से लेना आप सभी को ये जो पटाखे हैं हमारे ये फुल जड़ी, आपको उसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर दे रहा है, देन गाइस आपको उसको लेके चलना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद गाइस आपको जाना है ब्लर वाले ऑप्शन में एंड उसके बाद आपको सबसे लास्ट वाला जो ब्लर है आप सभी गाइस आपको सिंपली इसको लेना है एंड उसके बाद करना है आपको डन एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कुछ इस टाइप से साइज बड़ा करें, कुछ इस टाइप से रखना है, ठीक है। तो काफ़ी अमेजिंग लग रही है हमारी फोटो यहाँ पे, तो आपको ये पीएनजी जरूर लगाना है एंड इसको आपको डुप्लीकेट करना है एंड गाइस उसके बाद आपको सेम चीज़ इसी साइड में ऐसे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इतना हो गया, अब इतना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे डन कर देना है। अब इसको हम डन कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पे फोटो को सेव करके हम इसको लेके चलते हैं लाइट रूम पे, क्योंकि गाइस रीटच करना बहुत जरूरी है फोटो। तो गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस पहले तो यहाँ पे गाइस आपको ये लाइट वाला ऑप्शन में जाकर इसका थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, ठीक है। तो इसका हम कॉन्ट्रास्ट थोड़ा माइनस की तरफ रख लेते हैं एंड उसका जो हाईलाइट है जिसको हम थोड़ा माइनस रखेंगे, ठीक है। फिर जो शेडो है हम इसका थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड शेडो इंक्रीज करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको मिलता है व्हाइट, व्हाइट को जो है गाइस आपको थोड़ा बढ़ा देना है एंड जो गाइस यहाँ पे जो ब्लैक है इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। फिर जाना आपको यहाँ से गाइस कलर्स वाला ऑप्शन में, कलर्स वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको उसका वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देना है एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, ल्यूमिनस आपको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा देना है। फिर इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस यहाँ से आपको जाना है डार्क ब्लू में, आपको उसका ह्यू चेंज कर सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एंड इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में जाके इसका जो ह्यू है आपको माइनस कर देना है, सैचुरेशन प्लस, डन कर देना है। आप गाइस आपको जाना है थ्री डॉट्स, ये थ्री पॉइंट वाले जो कलर है गाइस आपको सिंपली इसमें जाना है हाईलाइट एंड मिड टोन वाले में एंड इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले तो गाइस आप सभी को यहाँ से चले जाना है यहाँ पे हाईलाइट में, ठीक है। हाईलाइट में जाने के बाद आपको हाईलाइट के सामने जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको उसको जो ह्यू है इसको ले जाना है येलो ब्लू कलर में एंड इसका सैचुरेशन आपको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गाइस जाना है यहाँ से शेडो में, ठीक है। तो हम शेडो में चलते हैं, तो यहाँ पे शेडो पे चलते हैं एंड शेडो में जाने के बाद गाइस आपको सिंपली वही चीज़ यहाँ पे करनी है, आपको सिंपली यहाँ पे ग्रीन टोन में ले जाना है एंड इसका जो सैचुरेशन है आपको अपने अकॉर्डिंग बढ़ा देना है एंड यहाँ पे आपको उसको ले जाना है पिंक टोन में शेडो को, ठीक है, इतना परफेक्ट है। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको जाना है मिड टोन में, मिड टोन में जाने के बाद आपको सिंपली यही सेम चीज़ करनी है, यहाँ पे आपको रेड के बीच में रख देना है एंड इसके बाद इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है, ठीक है, इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से नीचे वाले टूल में, फिर गाइस यहाँ पे आपको फोटो की जो क्लियरिटी आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस यहाँ पे फोटो विग्नेट है वो अपने अकॉर्डिंग डाल देना है, ठीक है, क्योंकि गाइस विग्नेट कोई किसी को चाहिए होता है किसी को नहीं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। फिर आपको ग्रेन माउंट मिलेगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना है आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड गाइस आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे नोइज रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा कलर नोइज रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है, ओके गाइस। तो यहाँ पे फाइनली हमारी फोटो जो एकदम परफेक्ट तरीके से एडिट हो चुकी है, तो गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।